जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है शोएब अख्तर क्राइंग, यूएसए बीट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए T20 वर्ल्ड कप 2024 हाइलाइट्स, पाकिस्तान रिएक्ट्स। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। एक ऑलरेडी साशा भरा हुआ है, जिसको इसकार साशा बोलते हो ना पाकिस्तानियों, एक रिटायर बंदे को लेके आए हो, वो भी ठीक है, चलो भाई जो रिटायर को लेके आए वो तो अच्छा बॉलर था, मानते हैं, फिर हाथी को क्यों लाए जिसका कोई कंट्रीब्यूशन मेरे को तो दिखा नहीं पूरी मैच के दौरान। पहले मैं वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं मिस्टर शोएब अख्तर, फिर हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। एवरेज फील्डिंग, एवरेज बॉलिंग, एवरेज कैप्टनसी और एवरेज बॉलिंग हम करते हुए वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा यार कि पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर टीम थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ना मैं फिट हूँ ना मैं फाट हूँ, क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है देखकर। बड़ी आप उम्मीद दिला रहे थे कि पाकिस्तान टीम यूएसए के साथ तो ऐसे ऐसे कर जाएगी। पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया तुम लोगों ने यार। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। ये पैमाना है, ये आपकी क्रिकेट है और ये आपके वो जनाजे। इन बातों पर आप कंपेयर करते, मजाक उड़ाया है कमेंट्री बॉक्स में, मजाक उड़ाया है लोगों ने, लिटरली मजाक उड़ाया है। ये पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ये इंडिया को शिकस्त देगा। वाह 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 वाह, ये शक्लें इंडिया को शिकस्त देने वाली है जो यूएसए के बच्चों के सामने। अबे तुम लोगों की ये हालत है भाई यूएसए के साथ तुम्हें तो पक्का भाई आयरलैंड पहले की घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के। आप यूएसए के अगेंस्ट भी डोमिनेट नहीं कर सके। ये क्रिकेट का आपने जनाजा निकाल दिया हुआ है, घरा घरा कर दिया है आपने क्रिकेट का। बातें ये इंडिया को पेल रहे होते हैं। असल बाप तो हमारा है ही यूएस ना, हमने उनको हम कैसे मार सकते थे। लानत है, जहन्नम की लानत है इन बेगैरतों के ऊपर। यकीन करो इतनी वाहियात बैटिंग हमने पाकिस्तान की तरफ से शायद इंडिया के अगेंस्ट भी कभी नहीं देखी है। यार इट्स ओवर एंड ऑल, यार वेरी डिसअपॉइंटिंग, रियली डिसहार्टनिंग, और मुझे हमें बहुत शर्म आ रही है यार कि यार पाकिस्तान इस तरह क्यों खेल रहा है। यार सर भी पकड़ा था और कोशिश करते हम दूसरों को पैर भी पकड़ ले। आज हम कहां खड़े हैं, हम यूएसए के खिलाफ ऐसे डर डर के खेल रहे हैं। मतलब इतनी खुशी से इंसान मैच लगाता है यार, टीवी ऑन किया आज के सारे मिलके बैठे और ये सूरत हाल देखने के लिए हम वहां पर बैठे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इस तरह की क्रिकेट खेलोगे? अबे क्या किया उन्होंने। और ये गेंडा, ये स्पिनर का स्पेशलिस्ट है और स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। ओ माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली यूएसए ने भी पाकिस्तान का घंटा बजा दिया है और बुरी तरीके से पाकिस्तान को पेल के रख दिया है। और जो हम सोच रहे थे कि कहीं यूएसए पाकिस्तान को ना पेल दे, ऐसा ही हुआ है। और ये जो हरकतें आज पाकिस्तान ने यूएसए के साथ की, जितनी भी क्या कहा जाए इसको यार, मतलब आप यूएसए से पहले जाते थे और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई यूएसए को तो हम चुटकी में हराएंगे, चुटकी में हम यूएसए को पेल देंगे, लेकिन यूएसए को उनको उल्टा पकड़ के पेला है। और आज उनकी बाबर आजम जो T20 में टेस्ट खेल रहा था, क्या ही कहा जाए। और गेंडा आजम खान आज फिर से जीरो बनाकर पहले ही बॉल में विकेट देकर चला गया और यूएसए ने आज अपने पावर प्ले में ही 23 में 3 विकेट ले लेते, तो जितनी भी तारीफ कर जाए यूएसए को उतनी कम है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी बुरी तरह बखलाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। मैं बिल्कुल ना मैं फिट हूं ना मैं फाट हूं, क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है देखकर। बड़ी आप उम्मीद दिला रहे थे कि पाकिस्तान टीम यूएसए के साथ तो ऐसे ऐसे कर जाएगी। सुन सुन के थकी हूं, सियासी बयान आता है ना कि हमारी टीम ये कर देगी वो कर देगी, अभी वक्त पड़ा है, अभी ये पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। यूएसए है, यूएसए उनका पहला टूर्नामेंट है, पाकिस्तान कई T20 खेल चुका है, पाकिस्तान ने T20 में इंडिया जैसी टीम को ऑल आउट किया था, यही प्लेयर्स थे भाई। आज हम कहां खड़े हैं, हम यूएसए के खिलाफ ऐसे डर डर के खेल रहे हैं। मतलब इतनी खुशी से इंसान मैच लगाता है यार, टीवी ऑन किया आज के सारे मिलके बैठे और ये सूरत हाल देखने के लिए हम वहां पर बैठे हैं। फिर मुझे सारे कहते हैं कि आप पर तनकीद ना करें, तो तनकीद ना करें तो और क्या करें, अभी भी तारीफ करें। यूएसए के खिलाफ हम डर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि हम मैच जीत जाएं, मैच जीत जाएं। मतलब कहां जाएं, समझ से बाहर है। मैं कोई तारीफ नहीं सुन रही आज पाकिस्तान टीम के खिलाफ। मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं वहां पर, मिलने के लिए इन्होंने $25 की टिकट लगाई हुई है, वहां पर चाय ढूंढ रहे हैं, दूध पत्ती ढूंढ रहे हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है।
150 का स्कोर बना है, तो आप मुझे बताएं कि आप वहां पर क्या करेंगे, इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मतलब इंडिया आपको 50 पर ऑल आउट कर देगा और आप कहेंगे भाई वो तो विकेट का मसला था, पिच का मसला था, या टीम बहुत स्ट्रांग थी, हमें तो यूएसए के खिलाफ भी मुश्किलात आई है। मतलब इंडिया के साथ आप कैसे परफॉर्म करेंगे? पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया तुम लोगों ने, यार शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, ये पैमाना है, ये आपकी क्रिकेट है और ये आपके वो जनाजे, इन बातों पर आप कंपेयर करते, मजाक उड़ाया है कमेंट्री बॉक्स में, मजाक उड़ाया है लोगों ने, लिटरली मजाक उड़ाया है बाबर आजम का। संजय मंजरेकर बोल रहा था कि 4000 कुछ रन इसने पता नहीं चला हमें कहां बना दिए, लांतियों के बच्चों। कुछ लोग निकले के बाबर ने तो इनिंग को संभाला दिया, अबे मेरे ऐसी की तैसी तेरी, अबे तू जो है ना वो डिस्प्रीन की गोली है जो सर का दर्द से बढ़ा देती है, कभी भी कम नहीं करती। दुनिया के किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, कुछ नहीं है इस विकेट में। आप लोग इतने बड़े छटियल के बच्चे हो, आप लोग न्यूयॉर्क की पिच और ये पिच डेलास वाली जो है आप मिला रहे हो, ये और वो पिच जमीन और आसमान का फर्क है। अबे न्यूयॉर्क में तुम खेल किससे रहो, यूएसए से? चलो मान लिया, तस्लीम कर लिया, दिल पे पत्ता रख के, अफगानिस्तान तो बड़ी टीम हो चुकी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह की क्रिकेट खेलोगे? अबे क्या किया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने एक चैनल पे बॉलिंग की और तू नंगा हो गया। अबे बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा कर दी है यार इन लोगों ने। इसने यूएसए के खिलाफ पूरी बारी ली, पूरा सेट हुआ और फिर इसका वही 43-44 आ रहा है, इतनी गेंदों पे 60 तो कर दे अगर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पाकिस्तान की क्रिकेट को तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। अबे ये घंटे के प्लेयर है, ये एक्सपोज होंगे, इनका घंटा बजेगा यूएसए के अगेंस्ट। ये कुछ घंटे के फैंस आगे बकवास कर रहे थे, क्या किया बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने क्या किया? और सामने इंडिया की टीम खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी, मार्क वुड बॉलिंग कर रहा था सामने, जो कंप पे टांग रही थी, घंटा बजा दिया पकड़ के बैठा उन्होंने, रिजवान गंडा, रिजवान लिपस्टिक बुलेट मौलवी, क्या करके गया, क्या करके गया आजम खान गंडा, बाबर की दोस्ती 11 को पकड़ के एक्सपोज कर दिया उन्होंने, घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के। आप यूएसए के अगेंस्ट भी डोमिनेट नहीं कर सके, आपका कप्तान, आपका घंटा, आपका बोबजी अपने 40 रन करके आउट हो गया, पूरा मैच वो बैटिंग करता रहा, वहां वो घंटे का बच्चा, वहां वो बोबजी, वहां वो घंटे का बच्चा बाबर आजम खुदर वो LBW आउट हो गया, और इधर घंटे के बच्चे आके बकवास करते हैं, उन्होंने कहा आयरलैंड को आयरलैंड की तरह खेला है। आप घंटे के बच्चे, आपने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, ये नहीं पाकिस्तान टीम की, ये क्या परफॉर्मेंस है, जस्टिफाई करती है ये परफॉर्मेंस? बाबर आजम क्या करके गया यार, आज बैटिंग विकेट थी, जब बैटिंग विकेट दिखाई गई है तो फ्लैट ट्रैक नजर आ रहा था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर सके, ये क्या तरीका भाई। आयरलैंड के ऊपर बड़ी बकवास कर रहे थे कल, इंडिया ने जो मैच फिक्स करके खेला, आपका अबू इंडिया कल आयरलैंड को फेल के गया था, उनकी औकात के मुताबिक खेल के गया था उनको, आपके अबू रोहित शर्मा ने कल 52 मारा था उस पिच के ऊपर, जहां यह घंटे का बच्चा दो बल्ले भी खेल जाता मेरे मुंह पे चपेड़ मार रही थी आके, 44 रन 43 बालों पे T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे टीम के एल लगवा के यह बंदा चला गया। बुल्लर लिपस्टिक मौलवी एक्टर क्या करके गया, क्या करके गया वो बंदा, क्या करके गया? आजम खान क्या कर रहा है टीम में, गंडा क्या कर रहा है टीम में, एक बॉल पे 0 रन, इसलिए आजम खान को टीम में रखा हुआ है। यूएसए के सामने भी टट्टी करके आ रहे हो, ये कौन सी क्रिकेट है, ये क्रिकेट का आपने जिनाजा निकाल दिया हुआ है, बेड़ा गर्क कर दिया है आपने क्रिकेट का, बातें ये इंडिया को पेल रहे होते हैं। What a disappointing and disgusting display of cricket from once a world champion Pakistan team against never played a T20 World Cup USA, बच्चों के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने आज वो कर दिखाया जिसका खौफ हमें पहले से था। ये पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ये इंडिया को शिकस्त देगा, वाह 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 वाह, ये शक्लें इंडिया को शिकस्त देने वाली है जो यूएसए के बच्चों के सामने बिगाड़े थे वो लोग के जो जाके नीचे लेट जाते हैं ऐसी टीमों के और अपनी कौम को जलील और रुसवा करते हैं। यकीन कीजिए, दुआ मांग रहा था मेरी, जिसको आपका कप्तान खुद गेंडा कह रहा है, आज आपने देख लिया, अरे भाई उससे तो बल्ला नहीं हिलता, जो कमेंटेटर है वो कहता है वेरी लेजी बैट मूवमेंट, और ये गंडा, ये स्पिनर का स्पेशलिस्ट है,
और स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। ओ माय गॉड, असल बाप तो हमारा है ही यूएस ना, हमने उनको हम कैसे मार सकते थे। लानत है, जहन्नम की लानत है इन बेगैरतों के ऊपर। यकीन करो, इतनी वाहियात बैटिंग हमने पाकिस्तान की तरफ से शायद इंडिया के गेंस भी कभी नहीं देखी है, जो आज इन लोगों ने औकात दिखाई अपनी। भाई टेस्ट क्रिकेट को भी यहाँ पर शर्म आ गई होगी, टेस्ट क्रिकेट को, कि क्या कौन कौन से नमूने हमारे सामने पेश कर दिए तुम लोगों ने। आजम खान कुत्ता है, कुत्ता, ये गेंडा नहीं, इसको खबीज को मैं क्या बोलूं, हाथी का बच्चा, कुछ करने को है नहीं इसके पास। यहाँ पर आते थे पाकिस्तान में खेलने के लिए, ये हमारी औकात बन गई पाकिस्तान क्रिकेट की। अब यूएसए वाले, अमरीका वाले, वो वैसे हमको थूक लगा के मारते हैं, और आज उन्हें एक बार फिर से मारा। अबे तुम लोगों की ये हालत है भाई यूएसए के साथ। तुम्हें तो पक्का भाई आयरलैंड पहलेगी। एक तो ये आजम खान गेंडा दोबारा जीरो पे आउट हुआ है, ये बर्गर फैक्ट्री। ये लास्ट के ओवर में जो दो रन के लिए भागे ना, इतना मेहनत किया, पसीना निकाला, अंपायर ने टट्टे हिला दिए, भाई रन्स नहीं मिलेगा। हंस हंस के भाई मेरे पेट में दर्द हो गया भाई, क्या टीम, जोकर टीम बन गई है भाई। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और लिटरली कह सकते हैं कि भाई आज इनकी रात मातम में बदल गई है, जिस तरीके से यूएसए ने आज उनको पेला है। और यही माना जाएगा कि भाई ये वर्ल्ड कप में हर एक छोटी छोटी टीम से हार के ये मिनोर हो गए हैं, और जैसे जिम्बाब्वे पे हार गए और फिर अफगानिस्तान से भी वर्ल्ड कप में हारे, आज इस तरीके से यूएसए से भी हार गए, तो समझ सकते हैं कि भाई इनके अब कुछ औकात ही नहीं बचे हैं। जैसे कि इनके प्लेयर 25-25 डॉलर में बेच रहे हैं, इसी तरह के इनको मतलब 2 डॉलर में ये कुछ दिन के बाद ये टीम बेच जाएंगे। मतलब यूएसए से आप हार रहे हो, जिस टीम में इंडिया, जिस टीम में अपना ही यूएसए का कोई प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान से, भारत से, न्यूजीलैंड से मांग कर वो टीम बनाई गई है, और इसको कोई इंडिया की बी टीम बुला रही है, उससे आप पहले जा रहे हो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि 9 जून को इंडिया को देख लेंगे, ये जो ट्रैक है, ये जो बॉलिंग को ये हेल्प देता है, तो हमारे साहिन हारिस आग उगलेंगे, घंटा उगलेंगे, तुम्हारे को यूएसए जिस तरह का तुमको पेला है, उस तरीके से उससे बुरी पेला जाएगा तुमको 9 जून को, भाई याद रख लेना। लेकिन आज यूएसए ने भाई जो कर दिया, सैल्यूट है यूएसए को, ऐसे ही पेलना चाहिए पाकिस्तान को, ऐसे ही पेलना चाहिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो ये मैच जो मैंने देखा था, तो मेरे को लगा कि ये पाकिस्तान है ही नहीं। हाँ। पहली बार कप्तान लगा कि भाई कुछ नया नया कप्तान बना है, कुछ एक्सपीरियंस दिखा ही नहीं, ऐसा समझ लो एवरेज से भी सब कुछ माइनस में हो रहा था। कुछ मतलब वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस वाली नहीं, कोई चीज़ ये जो मैच है ना, 2-3 बड़े रीजन है। सबसे बड़ा मैं रीजन मानू दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर कोई और कॉन्फिडेंस आता हो तो वो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान, वो दिखा था हमने। हालांकि जब ओपनिंग बैट्समैन खेलने आए बाबर आजम एंड रिजवान, तो उन लोगों की लिटरल दिख रहे जल्दबाजी में है, जल्दबाजी में ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ इसको पेली थे, ऐसे मूड पे थे। लेकिन रिजवान ने स्टार्टिंग में खेलना अच्छा स्टार्ट किया, मेरे को लगा भाई ये तो आराम से 200 प्लस जाएंगे पाकिस्तान आज, तो ऐसा दिखा 2-3 बॉल तक, मतलब एक ओवर तक समझ लो, फिर समझ में आया कि इसकी तो विकेट चली गई भाई। लेकिन बाबर ने वहां पे, देखो यहाँ पे पाकिस्तान का जो बोल देना ओवर को, भाई आप अमरीका में खेल रहे हो, जिस पिच का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस टीम का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास टोटल 20 ओवर्स है, ठीक है, और 120 ओवर कितने ही होते हैं ना मेरे हिसाब से, ठीक है, तो 120 बॉल थे, तो भाई एटलीस्ट जो प्लेयर है एक्सपीरियंस वाले, उसको 2 ओवर तक समझ में आ जाता है, तब तक उसको शांति से खेलना चाहिए। तो बाबर ने किया था 22 बॉल में 7 रन किए थे पहले, फिर अगले बार 21 बॉल में उसने 37 रन किए। तो यही तो स्ट्रेटेजी होती है भाई, जो पाकिस्तान का कोई प्लेयर ही नहीं समझ पाया, स्पीच नहीं समझनी है, बॉलर को नहीं समझना, उसका मूड को नहीं समझना, बस खेलना है हमें, खेलने आए हैं तो। अरे भाई खेलने का तरीका होता है हर एक चीज में, खेलना तो सबको आता है, लेकिन उसको बोलते हैं नियम के अनुसार सिस्टमैटिक खेलना, वही तो प्लेयर करते हैं, ठीक है। बाकी भाई मैं भी बैट लगे स्पीच पे खेल सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खेल सकता, और बीच बीच में मतलब जो दो प्लेयर के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी नहीं थी, उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं भाई। चलो पाकिस्तान लास्ट ओवर में क्लियरली दिख रहा था कि पूरा का पूरा जो मैच है पाकिस्तान की ओर जा रहा है, 50-50 हो गया था,
कि अब ये मैच पाकिस्तान की ओर कुछ भी धीरे धीरे सरक रहा है। लग रहा था कि यूएस के हाथ से मैच चला चुक गया है, क्योंकि यूएस ने स्टार्टिंग में बढ़िया खेल लिया था। फिर जैसे कप्तान साहब की विकेट गई, फिर एक कौन सा उस 45 रन उन्होंने भी किया, उसकी विकेट गई, मतलब दो ओवर में दोनों की विकेट चली गई थी। उसके बाद मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर जा रहा था। लेकिन भाई ये बाबर आजम दिमाग कहाँ लेके आ रहा है भाई, हारिस साहब, वो क्या नाम था उसका, आमिर जो उसका रिटायर प्लेयर बॉलर था, ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया था लेकिन फिर से उनको लाया गया। भाई आपके पास इतने अच्छे बॉलर ऑलरेडी थे जो यंग थे, खास करके नसीम शाह, अरे भाई क्या कर रहा तू, नसीम शाह को लास्ट बॉलिंग तक रखा होता, या तो फिर सुपर ओवर में मैच जब आया तब नसीम शाह को दी होती, वो आमिर को भेजा, आमिर ऑलरेडी उसको टाई करवा चुका है, फिर भी आमिर को, समझ में आता है कि उसका ऑलरेडी एक लिंक पकड़ हाथ में आ गई थी तो समझ में आता है कि उसकी लिंक हाथ में रहे, लेकिन भाई उसको क्यों, देखो मेरे नहीं समझ में आता बाबर का दिमाग कहाँ चलता है। इतने अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के पास, सबसे बड़ी मतलब बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, तो वो उसकी बॉलिंग ही है, बैट्समैन कोई नहीं है पाकिस्तान, अच्छे बल्लेबाज है ही नहीं पाकिस्तान के पास, वो पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग में है, जैसे अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग में है वैसे पाकिस्तान की भी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग में है। ये साचा को बॉलिंग दे दी और साचा को तो दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आप सुपर ओवर में आए हो, समझ में आ रहा है या नहीं, तो उसमें भी चाचा को उतार दिया, क्या किया इफ्तिकार चाचा, स्टार्टिंग से मतलब बड़े शॉट मारने में माहिर है मानते हैं, लेकिन उसको अभी पिच का एक्सपीरियंस नहीं है, वो रिजवान आउट हो गया था 9 रन में, तो उसको भेजा होता ना तो मैं मानता हूं कि वो उसमें गुस्सा होगा, गुस्सा भरा होता है ऐसे प्लेयर का कि वो कम रन में आउट हो गए, और वो जाडिया हाथी को भेज देना था, वो हाथी 2-3 सिक्स मार लेता भाई, क्योंकि उसको भी बहुत गुस्सा था, किसी ने उसको उंगली कर दी थी अच्छे से, तो वो भी कुछ कर लेता, लेकिन भाई आप पाकिस्तानी हो इसलिए आप भोग दो, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा ऐसा हम मान लेते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।